हेलो स्टूडेंट्स, ए टू केमिस्ट्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम दो रिचार्जेबल सेल स्टडी करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इनमें से एक रिचार्जेबल सेल जो हम स्टडी करते हैं, इट इज़ लिथियम आयन बैटरी, और दूसरा रिचार्जेबल सेल जो आपके सिलेबस में है, इट इज़ निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। तो ये दो रिचार्जेबल सेल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अगेन सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दीज सेल्स, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस फॉर देयर रिएक्शंस एंड रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन उससे पहले एक एक दो दो यूजेस आप माइंड में याद रख लें। आप लोगों को पता भी है लिथियम आयन बैटरी हम कॉमनली मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, एंड निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी इट इज़ यूज इन डिजिटल कैमराज एंड हाई ड्रेन डिवाइसेज लाइक MP3 प्लेयर्स। हाई ड्रेन डिवाइसेज कौन से होते हैं? कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो, तो हमें ये जो बैटरीज हैं बड़ी रेगुलरली रिप्लेस करनी पड़ जाए, तो ऐसी डिवाइसेज को हम हाई ड्रेन डिवाइसेज कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात लिथियम आयन बैटरी पे कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी? तो आपको पता होना चाहिए एनोड कैथोड किस मटेरियल के बने हुए हैं और क्या इलेक्ट्रोलाइट है जो हम यूज़ करते हैं लिथियम आयन बैटरी में। तो एनोड लिथियम आयन बैटरी में इट इज़ मेड अप ऑफ पोरस ग्रेफाइट, जबकि कैथोड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, लेकिन कॉमनली हम कोबाल्ट 4 ऑक्साइड यूज़ करते हैं। वैसे तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कोबाल्ट 4 ऑक्साइड है, तो आप इसी को याद रख लें। तो पोरस ग्रेफाइट एनोड है हमारे लिथियम आयन बैटरी में, और ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट 4 ऑक्साइड इट इज़ कैथोड। ये जो दोनों एनोड और कैथोड हैं, दे आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ लिथियम। तो जब भी ये सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लिथियम ही ऑक्सीडाइज होता है और लिथियम ही रिड्यूस होगा। मैं आपको केमिकल इक्वेशन अभी लिख के बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी लिथियम का सॉल्युबल सॉल्ट लिथियम क्लोराइड ले लें और इसको आपने डिजॉल्व कर लेना है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल में। तो ये कंपोजिशन है, बड़ी सिंपल सी कंपोजिशन है लिथियम आयन बैटरी की। एनोड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पोरस ग्रेफाइट, कैथोड इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, बोथ आर कोटेड विद लिथियम, और लिथियम सॉल्ट आपने डिजॉल्व कर लेना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, दैट वुड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शंस, देखिए ये रिचार्जेबल बैटरी है, तो मैं आपको जो रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ वो डिस्चार्ज प्रोसेस के बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपसे डिस्चार्ज प्रोसेस के रिएक्शंस लिखने को कहे, तो आपने ये रिएक्शन लिखने हैं, और रिचार्जिंग के लिए आपने इन्हीं रिएक्शंस को रिवर्स कर देना है। देखें बहुत कॉमन है, एनोड पे आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन होगी, तो जो लिथियम ग्रेफाइट पे कोटेड है एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन में क्या होना है, ऑक्सीडेशन में लिथियम जो ग्रेफाइट पे कोटेड है वो लिथियम आयन बन जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ग्रेफाइट को छोड़ देगा, फ्री आयन बन जाएगा। ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एट एनोड। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, ये जो लिथियम आयन प्रोड्यूस हुआ है एनोड पे, ये कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा लिथियम आयन, ये दोबारा लिथियम मेटल बनेगा, और वो लिथियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कोबोल्ट 4 ऑक्साइड की इलेक्ट्रोड पे। तो आपने सिंपली याद रखना है डिस्चार्ज प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो लिथियम कौन सा ऑक्सीडाइज होना है, जो ग्रेफाइट पे है, और लिथियम कोबाल्ट 4 ऑक्साइड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके रिड्यूस होगा। जब आपने रिचार्ज करना है, तो एग्जैक्टली इन्हीं दोनों रिएक्शंस को आपने रिवर्स कर देना है। जो लिथियम कोबाल्ट 4 ऑक्साइड पे है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ग्रेफाइट पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपने सिंपल सा रिएक्शन याद रखना है लिथियम आयन बैटरी में। निकल मेटल हाइड्राइड पे बात कर लेते हैं, और फिर एंड में मैं इन दोनों के एक ही दफा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बता दूंगा। निकल मेटल हाइड्राइड की कंपोजिशन में आपने याद रखना है एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल हाइड्राइड। कोई भी रिएक्टिव मेटल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम का हाइड्राइड यूज कर लें, पोटेशियम का, किसी भी रिएक्टिव मेटल का हाइड्राइड एनोड के तौर पर यूज हो सकता है। कैथोड जो होता है निकल हाइड्रोक्साइड का होता है, निकल 2 हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH। तो ये हमारे इस निकल मेटल हाइड्राइड रिचार्जेबल बैटरी की कंपोजिशन है। एनोड मेटल हाइड्राइड है, कैथोड निकल 2 हाइड्रोक्साइड है, और इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। रिचार्जिंग प्रोसेस का भी इक्वेशन पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको फिर डिस्चार्ज प्रोसेस, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन करनी है, मेटल हाइड्राइड में से हाइड्राइड वो ऑक्सीडाइज होगा। कैसे ऑक्सीडाइज होगा देखें जरा, मेटल हाइड्राइड
ऑक्सीडाइज होके एच आयन बनाएगा, एच आयन ओएच से कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब देखिए मेटल हाइड्राइड में मेटल इट रिमेन्स इंटैक्ट, मेटल को कुछ नहीं हुआ, जो हाइड्राइड है वो ऑक्सीडाइज होके एच आयन बना, एच आयन ओएच आयन के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस हो गया। और कैथोड पे रिडक्शन होगी, कैथोड पे ये जो वाटर है और जो इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन करेंगे जाके निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड के साथ। निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो है ये यहाँ पे निकल रिड्यूस हो रहा है। आप देखें निकल ऑक्सी लेफ्ट साइड पे जो निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल ने गेन कर लिया है तो निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गया है। तो ये रिएक्शन आपने याद रखना है कि जब भी डिस्चार्ज प्रोसेस होता है तो हमेशा हमेशा एनोड पे मेटल हाइड्राइड में से हाइड्राइड जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होके एच आयन बनाएगा और रिडक्शन जो है निकल की 3+ से 2+ में होगी। रिलेटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी माइंड में आप रख लें। दोनों के एडवांटेज इनका है दे आर लाइट कंपेयर टू द अदर, दे कैन प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, दे हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर्स, दे कैन डिस्चार्ज एट देयर ओन, ना भी आप यूज़ कर रही हूँ तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है। एंड दे हैव सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न क्यों, कि इनमें जो मेटल्स हम यूज़ कर रहे हैं दे आर रिएक्टिव मेटल्स, तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं दे ऑलवेज पोज अ सेफ्टी प्रॉब्लम, तो इनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए सेफ्टी कंसर्न इज अ बिग इशू फॉर दीज टाइप्स ऑफ बैटरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।